लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के मधुमलन चौराहे से अपने वाहनों को धक्का देकर निकल चौराहे तक ले जा रहे थे, तभी प्रदर्शन की सूचना प्रशासन को लगी तो एसडीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमा झपटी और तीखी बहस भी हुई। सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने इंदौर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदौर जिले में धारा 144 लगा रखी है, जिसमें बिना अनुमति जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। वहीं अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर भी रोक लगा रखी है। इसके बावजूद कांग्रेसी बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल सभी को जेल भेजकर इन पर कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से आघोषित आपातकाल मध्य प्रदेश की पुलिस और विशेषकर इंदौर ने दिखाने का प्रयास किया है, ये इस तरह की स्थिति है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, आज अगर किसी की गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए तो उस प्रदर्शन करने की किसी को अनुमति नहीं है और इस तरह की हरकतें की जा रही है, ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से। आघोषित आपातकाल कोशिश की है, इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और विधि अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या 144 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई? 144 के उल्लंघन की भी कार्रवाई होगी, जो जो धाराएं होगी उन सब में कार्रवाई होगी। क्या बिना अनुमति दी गई? इनको कोई अनुमति नहीं ली गई। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी कहना मुश्किल है, आपके सामने तो दिख रहा है लगभग। तो सर, सबको 151 में कर रहे हैं? जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस और हम लोग मिलकर करेंगे।